बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आइए क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2 शुरू करते हैं। व्हाइट बोर्ड पर लिखा है tan अल्फा 15/8 एंड sin बीटा -7/25 और साथ ही साथ स्टूडेंट्स ये लिखा है नीचे एंड नाइदर द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल ऑफ द मेजर्स अल्फा नॉट दैट ऑफ बीटा इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। कहता है ये देखें, वो ये कह रहा है ना तो tan अल्फा और ना ही sin बीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos जो है वो पॉजिटिव होता है। cos क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है जी, tan इज नेगेटिव इन थर्ड, हाँ ये नेगेटिव है, यहां नेगेटिव है जी tan, सॉरी 15/8 जो है ये नेगेटिव है, -15/8 है और sin बीटा जो है 7/25 है। देखिए अब उन्होंने एक हिंट दिया है, उन्होंने कहा है जी कि ये दोनों एंगल्स फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है। ऑलराइट, अब अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है तो यहां तो ऑल पॉजिटिव है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव और उधर से थर्ड में tan जो है स्टूडेंट्स ये तो पॉजिटिव है। अब यहां पे tan नेगेटिव है, tan नेगेटिव या तो cos में है, ठीक है tan नेगेटिव या तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है या सेकंड क्वाड्रेंट में है, बस फर्स्ट में और थर्ड में पॉजिटिव है। मगर उसने कह दिया कि tan फोर्थ में नहीं है, अगर फोर्थ में नेगेटिव नहीं है तो इसका ये बिलोंग कहां से करेगा, ये बिलोंग डेफिनेटली किधर से करेगा जी, सेकेंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा कि tan जो है ये नेगेटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव है, बाकी सारे के सारे क्या हैं, नेगेटिव। लेकिन यहां भी tan भी नेगेटिव होगा, यानी इस tan अल्फा का ताल्लुक जो है ये सेकेंड क्वाड्रेंट से है। यानी अगर मैं कहूं tan अल्फा इज इक्वल टू -15/8 तो ये कौन से क्वाड्रेंट से लिंक करता होगा, सेकेंड क्वाड से। अभी के ठीक है सेकेंड क्वार्ट से, क्योंकि थर्ड में तो थर्ड में भी नेगेटिव है लेकिन उसने कहा थर्ड में नहीं है तो फिर सेकेंड क्वार्ट में ये लाइ करेगा। इस तरह से साइन बीटा -7/24 है, -7/25 है, ठीक है जी। अब उसने कहा है कि ये फोर्थ में नहीं है, ठीक है तो डेफिनेटली फर्स्ट में भी ये पॉजिटिव होता है, फोर्थ में तो नेगेटिव होता है लेकिन फोर्थ में है ही नहीं है, ये भी क्रॉस हो गया, इधर भी नहीं है ये, ठीक है और फर्स्ट में तो होता ही पॉजिटिव है लिहाजा इधर भी नहीं है। साइन में साइन जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इधर भी नहीं है क्योंकि इधर जवाब नेगेटिव में है, लिहाजा फिर इसका ताल्लुक थर्ड क्वाड्रेंट से होगा। यानी साइन बीटा जो है स्टूडेंट, साइन बीटा जो कि आपके सामने 7/25 है, इसका ताल्लुक जो है वो थर्ड क्वाड से है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं ताकि आपको ये पहले भी मैंने क्लियर किया था, अभी मैं दोबारा करूंगा कि अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नहीं है, ठीक है नेगेटिव है tan, तो फिर फोर्थ में भी नेगेटिव है, फोर्थ में तो है ही नहीं है, फर्स्ट में पॉजिटिव है और थर्ड में पॉजिटिव है, तो फिर नेगेटिव किस में पाया जाएगा, सेकंड में, क्योंकि सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव है बाकी tan नेगेटिव होता है, तो लिहाजा ये सेकंड क्वाड्रेंट की आइटम है, या साइन बीटा जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट की आइटम है। बाकी जो चीजें हैं वो हम एज यूजुअल यहां पर फाइंड आउट करेंगे, आप भी उसी तरह से फार्मूला बना लिया करें। तो ये है परपेंडिकुलर और बेस, लिहाजा परपेंडिकुलर जो है फर्स्ट अल्फा वाले एंगल का वो 15 है और बेस जो है स्टूडेंट्स वो 8 है, तो इसलिए हमने इसको -15/8 कहा क्योंकि ये सेकंड क्वार्ट में पाया जा रहा है। अब इसकी मदद से हम हाइपोटेन्यूज को मालूम करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट, ये मैंने एच लिखा है, जरा काम लिखा गया है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, 15 होल द स्क्वायर प्लस 8 होल द स्क्वायर, आई थिंक सो 8 ही है। अब 15 को जब 15 से हम मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आता है आपका, एक तो 64 आ गया, दूसरा आ गया 225, क्या आ गया 225, ठीक है जी, 225 प्लस 64 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो ये आ जाता है 5 और 4 9, 6 और 2 8 एंड 2 का 2 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दोनों का
स्क्वायर रूट ले लिया तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 17 आ गया, तो लिहाजा यहाँ पर जो आंसर है वो 17 है आई थिंक सो, या 13 है, हाँ ये 17 आंसर आ गया आपका। ठीक है, क्या आ गया 17 बनता है या 13 बनता है ये थोड़ा सा देखना तकना पड़ेगा। जी 17 ही आता है आई थिंक सो, बिल्कुल 17 है। मेरे पास कैलकुलेटर था इधर, यार इज माई कैलकुलेटर, हियर इज माई कैलकुलेटर, तो आप ही कैलकुलेटर से करिए, टाइम ज्यादा होता है इस तरह वैसे। लेकिन ये है कि 289 का स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट 289 इज इक्वल टू 17 आता है जी। ओके, यहां 17 आ गया। अब स्टूडेंट देखिए, tan अल्फा ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, अब यहां पर हम क्या क्या फाइंड आउट करेंगे ये देख लेते हैं। tan अल्फा मौजूद है, sin अल्फा फाइंड आउट करेंगे, ठीक है जी, और cos अल्फा फाइंड आउट करेंगे। अब sin अल्फा क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर जो है वो 15 है और हाइपोटेन्यूज जो है वो 17 है। और देखें tan का जो ताल्लुक है वो सेकेंड क्वाड्रेंट से है, तो लिहाजा sin अल्फा जो है ये पॉजिटिव रहेगा 15 और 17, चूंकि इसका ताल्लुक जो है वो इधर से है, तो लिहाजा यहां पर साइन जो होगा 15 और 17 होगा स्टूडेंट्स, और ये 15 और 17 जो है ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि सेकंड क्वार्ट में साइन जो है ये पॉजिटिव होता है। कॉस जो है ये माइनस होगा। अब कॉस का फॉर्मूला क्या है, बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस है यहां पर स्टूडेंट्स 8 और हाइपोटेन्यूज है 17, तो हम कह सकते हैं माइनस 8 ओवर 17 हमारा कॉस अल्फा जो है ये आता है माइनस, यू कैन से माइनस 8 ओवर 17। जी बिल्कुल 8 ओवर 17 हमारा जो है यहां पे कॉस अल्फा आ गया। इसी तरह से स्टूडेंट्स देखिए, अब सेकंड ट्रायंगल की बात करते हैं। सेकंड ट्रायंगल जो है स्टूडेंट्स वो बनता है साइन बीटा का, और साइन का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर जो है वो 7 है, हाइपोटेन्यूज जो है ये आपका 25 है, तो इसकी मदद से हम बी स्क्वायर मालूम करेंगे। 25 होल द स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर एज यूजुअल आ जाएगा। अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 होल द स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर एंड माइनस 7 स्क्वायर, यू कैन से बिल्कुल माइनस हो जाएगा माइनस 7 स्क्वायर। अब ये आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 होल द स्क्वायर जो होता है ये 625 होता है जी, बिल्कुल 625 होता है जी, माइनस 49 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 49, यस ये 576 आता है जी। अब इनका स्क्वायर रूट ले लें 576 का, तो ये 24 आ गया जी, 24, यानी कि यहां पे डियर स्टूडेंट्स यहां पे जो है ये हमारी बेस निकली है 24, बेस क्या है 24, परपेंडिकुलर 7 है, हाइपोटेन्यूज 25 है और ये 24 है। अब स्टूडेंट्स हमें साइन बीटा तो गिवन है, क्या गिवन है साइन बीटा, अब हम टेन बीटा जो कि परपेंडिकुलर ओवर बेस है और परपेंडिकुलर है यहां पे 7, यस, और बेस है 24, और इसका जो ताल्लुक है साइन बीटा का ये थर्ड क्वाड्रेंट से है, तो स्टूडेंट यहां पर टेन पॉजिटिव का पॉजिटिव होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, मगर कॉस बीटा नेगेटिव होगा, और कॉस का फॉर्मूला है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और यहां पर बीटा का जो ट्रायंगल है यहां बेस हमारी अभी भी निकली है, बेस है 24, हाइपोटेन्यूज हमारा ऑलरेडी है वो है 25, और कॉस बीटा जो थर्ड क्वाड्रेंट में पाई जाए तो ये माइनस होता है माइनस 24 ओवर 25, क्लियर जी, माइनस 24 ओवर 25 आपका आ गया जी, बिल्कुल आपका कॉस बीटा आ गया। स्टूडेंट्स देखिए, हमें साइन अल्फा प्लस बीटा निकालना है और कॉस अल्फा प्लस बीटा निकालना है, मैंने आपको सब कुछ निकाल दिया है, अब प्लीज बाय मेहरबानी अगला काम आप इन्हें इनकी वैल्यूज ही पुट करनी है। आपको मोस्टली यहां पर वैल्यूज चाहिए किसकी, साइन अल्फा की और फिर साइन बीटा की, फिर इसी तरह से कॉस अल्फा की वैल्यू चाहिए आपको और फिर कॉस बीटा की आपको वैल्यू चाहिए, क्योंकि पूछा ये क्या है साइन अल्फा प्लस बीटा इनटू कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आपको मैंने सारा क्वेश्चन तकरीबन सॉल्व कर दिया, समझा भी दिया सारा, अब इसे प्लीज सॉल्व आप खुद करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी आती है तो देन आई विल डिस्कस इंशाल्लाह विद यू, और अगर आप इंटरनेट पे हैं तो आप मुझे कॉल करें, क्लास में तो मुझसे पूछिए। थैंक यू, खुदा हाफिज।